पति बाबू को। हाँ, नदी पे रहकर कपड़े धोकर आ जाती हूँ, फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कपड़े गीले क्यों हुए। पर जाऊँ कैसे, बाहर तो वो दुष्ट लड़का खड़ा हुआ है। अंदर आ गया और देख लिया तो पूरे घर में ढिंढोरा पीट देगा कि बिस्तर गीला किया है मैंने। लेकिन फिर बाहर कैसे जाऊं? भी तो छिपाना पड़ेगा। दितं, दितं, दितं। के बाद देखती हूँ इसका क्या करना है। शायद ये लोग भी नदी किनारे जा रहे हैं। मैं भी वहीं जाकर साड़ी ठीक कर लेती हूँ। दीदा अनिरुद्ध आया था? नहीं तो जैसे क्यों लग रहा है कि वो यहाँ आया था? इस कमरे की हवा में उसकी खुशबू क्यों है? यार नहीं पहचानती उसका, पर खुशबू अच्छी तरह पहचानती है। खुशबू कैसे नहीं पहचानूंगी? अपनी कही बात भूल गई? तूने ही तो कहा था ना अनिरुद्ध से कि वो जाए अपनी पत्नी के पास, भूल गई? और वो क्यों आएगा यहाँ इस सुबह की तरह? उसके जीवन की भी तो नई शुरुआत है ना। कितनी नई रस्में होती है ना नए जोड़ों की। सच सवर रहे होंगे दोनों, जैसे तैसे साड़ी तो लपेट ली मैंने, पर अब इसे साफ कैसे करूं? ये साड़ी बार बार फिसलेगी तो धोऊंगी कैसे? तूने ही कहा था ना माँ, तेरी जगह दुग्गा माँ ख्याल रखेगी ससुराल में। अब ये साड़ी नहीं धुल रही है मुझसे। वंदिता,
संपूर्णा दीदी, अच्छा तो ये है अनिरुद्ध बाबू की नवबोधु। रॉय चौधरी की बहू नदी पर स्नान करने क्यों आई है? उनकी हवेली पर तो है ना स्नान घर। अरे है ना स्नान घर। अरे ये तो बताते हैं रॉय चौधरी के कपड़े भी बिलाए जाते हैं धुलने के लिए। तो फिर चौधरी साहब की बहू नदी पर कपड़े क्यों धोने आई भला? अब आदमियों की दुनिया है, अब बहू मुंशी की हो या रॉय चौधरियों की, करनी तो चाकरी है औरतों को। और वैसे भी है कोई और रॉय चौधरी की हवेली में? सारे आदमी भरे हैं। नींद में बिस्तर गीला कर दिया था रात को दीदी, अकेली थी ना तो मैं डर गई। सुबह डांटना पड़े इसलिए ससुराल में किसी को बिना बताए नदी पे नहाने आ गई, पर ये साड़ी मुझसे धुल ही नहीं रही है। मैं आ गई हूँ ना, मैं धो दूंगी तेरी साड़ी। अरे बहुरानी, पति के साथ बाशी बिये की रस्म करनी है या बहन के साथ गले मिलते रहना है? मैं कपड़े धो के आ जाऊं घर। है ठीक अच्छे, लेकिन जल्दी चली आना। हाँ बहू को क्यों रहने दिया उसकी बहन के साथ? मालिक की बहू का अपमान कर सकते हैं हम, नहीं ना? चल मैं तेरी साड़ी धो देती हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? माँ ठीक कहती थी, मेरी मदद करेगी दुर्गा माँ, देखो खुद कहीं और होगी। तो मेरी मदद के लिए दीदी को भेज दिया, अब ससुराल में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने बिस्तर गीला किया था। दांत साफ क्यों नहीं किए? गलती से भूल गया था दादा। गलती से खाना खाना भूलते हो कभी? तो दांत साफ करना कैसे भूल गए? दांत साफ नहीं करोगे ना तो गिर जाएंगे सारे। और जमींदार गिरी हुई चीजें नहीं उठाते हैं। हाँ? ऐसा बाबा कहते हैं। दादा कल रात सब इतना कुछ हो गया उसी में रह गया। बच्चों से तो भूल हो जाती है ना? और भूल करने पे दंड मिलता है, ये भूल गए? जानते हो ना कितना गंभीर हूँ मैं साफ सफाई को लेकर। स्वच्छता घर की हो या खुद की, किसी भी कारण से छूटे ये मुझे अच्छा नहीं लगता बटू। अभी जाकर दांत साफ करो। हाँ। जैसे स्वच्छता को लेकर कोई समझौता पसंद नहीं अनिरुद्ध को, वैसे ही रीति रस्मों और परंपराओं को लेकर कोई समझौता बर्दाश्त है क्या मुझे? बिल्कुल मुझ पर गया है ना अनिरुद्ध। इस हिसाब से आप छोटे मालिक पे बिल्कुल ले गए बड़े मालिक। जितना पूछा जाए उतना बताया करो। जाओ जाके देखो बहुरानी उठी कि नहीं। कौन बहुरानी बड़े मालिक? लॉर्ड गवर्नर की बहुरानी। लेकिन लॉर्ड गवर्नर की बहुरानी इस हवेली में क्यों सोएगी बड़े मालिक? अरे लेकिन तुम्हारे छोटे मालिक जिसे ब्याह कर इस घर की मालकिन बनाकर लाए हैं वो तो यही सोई होगी ना जड़बुद्धि। या ब्याह के बाद की रस्में तेरे साथ करा दूं अनिरुद्ध की? नौकर के साथ रस्में करवा सकते हैं क्या? बताओ